महीने बच्चा पेट के अंदर रहता है नॉर्मली। कुछ बच्चे प्रीमेच्योर भी पैदा होते हैं, 7.5 महीने में भी होते हैं, 8.5 महीने में होते हैं, 8 घंटे हो जाते हैं, है ना, होता है सर, इतना तो पता होगा बराबर। जो हमारा साइकिल है वो 9 महीने तक की मदर उसको पेट में रखती है ना, कुछ दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये 270 दिन पेट के अंदर जब बच्चा रहा तो जो उसको खान पान है जिससे उसका शरीर दिमाग का विकास हो रहा है, जो हमारा शरीर अंग बनते हैं या हमारा जो दिमाग न्यूरॉन अंदर विकसित हो रहे हैं वो माँ के पेट के अंदर ही विकसित हो रहे हैं, वो पैदा होने के बाद अलग से नहीं होना है, ठीक है। अगर उस माँ में जो प्रेग्नेंट माँ है, ठीक है, या महिला है, अगर उनके खान पान में कमी हो, जैसे ये खून की कमी हो तो जो बच्चा पेट में है उसको भी खून क्यों चाहिए, खून की मात्रा बिल्कुल सही दर से उसको चाहिए, ताकि जो उसके अंग का विकास हो रहा है उसमें ऑक्सीजन सभी अंगों में पहुंच रही है, और जो माता पौष्टिक चीजें खा रही है, खान पान कर रही है, उसमें हर एक चीजों का समावेश होना चाहिए, ताकि किसी भी पौष्टिक तत्वों का उसके शरीर में कमी ना रहे, क्योंकि माँ के खून के माध्यम से ही उस बच्चे को सारा पोषण मिलना है, ठीक है। तो 9 महीने तक माँ बच्चे को पेट में रखती है और 9 महीने में ही हमारे सभी अंगों का विकास शरीर में पेट में हो जाता है, और जो दिमाग है हमारा, अगर मान लो हमसे पैदा हुए हमारे हाथ भी है पैर भी है बट हमारा दिमाग ही काम नहीं करता है, ठीक है, हम बाहर आए हमारे कुछ समझ ही नहीं आता है, कुछ समय बाद कि माता पिता इशारा करते हैं बच्चा कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है, फिर बच्चा बड़ा होता है स्कूल जाता है उसको कुछ समझ नहीं आता है। तो 65% जो ब्रेन का डेवलपमेंट है किसी भी बच्चे का इन 1000 दिन में पहले 270 दिन के अंदर पेट में ही हो जाता है, तो वहां पे सिर्फ खान पान का ही इम्पोर्टेंस नहीं है, जो खाना पीना हमने किया कि फैमिली का इन्वायरमेंट कैसा था, माता की सोच कैसी थी, या माता के साथ जो बातचीत कर रहे हैं उनकी सोच कैसी थी, कि माता किसी स्ट्रेस में तो नहीं थी, किसी टेंशन में तो नहीं थी, तो जो फीलिंग वो स्ट्रेस और उसकी इमोशंस की होती है वो बच्चा सारा फील कर सकता है। तो हम खाना खाते हैं उससे हमारे को एनर्जी बनती है ना, हम मैं बोल रहा हूँ तो साउंड के रूप में एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होती है ना, वैसे हमारी फीलिंग है वो बच्चा, हर जैसे एक एग्जांपल है महाभारत में चक्रव्यूह का, किसने देखा था चक्रव्यूह, महाभारत के बारे में सुना होगा आपने, वाला भी सुनते थे आप, महाभारत में एक चक्रव्यूह की स्टोरी सुनी होगी आपने, सुनी, हाँ करो, सुना है कि नहीं सुना है, आपकी आवाज मेरे तक नहीं सुन रही है ना, सोचो आपकी आवाज, आप इतने बड़े हो यहाँ तक मेरे को नहीं सुन रही है, वो बच्चा था जिसने वो चक्रव्यूह देखा था वो स्टोरी से पेट के अंदर ही सुनी थी, जब उसकी माता ने उसको सुनाई, अभिमन्यु का नाम सुना आपने, इतना लेट रिस्पॉन्स क्यों है आप लोगों का, अभिमन्यु जब पेट में था अपनी माता के तब वो चक्रव्यूह तोड़ने की कहानी उसने सुनी थी, अंदर एंटर करने की बाहर आने की नहीं सुनी थी उसने, बट उनसे चक्रव्यूह को भेदा था, उसके बाद के सालों बाद उसने द्वारा जीवन में जो पैदा हुआ उसके बाद वो स्टोरी उसने कभी नहीं सुनी थी, बट उस समय थोड़ा सा माहौल बड़ा सात्विक होता था, साफ सुथरा होता था, तो शाम में व्यस्त रहते हैं, यहाँ पे साउंड फोन की चली है, यहाँ दूसरे की आवाज चली है, यहाँ टीवी चला है, तो जो अंदर बच्चे ने कुछ सीखना है या कोई लैंग्वेज सीखनी है या कुछ भी सीखना है वो उसको काफी कम मात्रा में जाता है। तो हमारा जो ये 1000 दिन है पेट के अंदर, उसके बाद 2 साले और उसके बाहर जो इन्वायरमेंट है उस सब का इम्पैक्ट है, या बच्चा कुपोषित होगा या उसका विकास जो है वो बहुत अच्छे से हुआ है। तो हमारी फैमिली में जब भी कहीं प्रेग्नेंट वुमेन होती है, कोई भी गर्भवती होती है, वहाँ इन्वायरमेंट बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रेस का भी एक जैसे जल्दी अवर्शन होना, उसके भी कई कारण होते हैं, ज्यादा इसमें जो कारण माना जाता है वो स्ट्रेस फ्री माना जाता है,
ये हमारे सारे चीजें है जो फैक्टर्स है कुपोषण क्यों फैल रहा है। जैसे लड़कियां यहाँ बैठी है, एक भी हंस नहीं रही है, एक भी हंस नहीं रही है, ठीक है। स्ट्रेस है ना, तो स्ट्रेस जो है आपकी खून को चूस रहा है। जैसे हमारे पेट में कीड़े होते हैं ना, जिसके लिए हम एलबेंडाज और खाते हैं, ये भी एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। छोटे बच्चों को भी, किशोरियों को भी एल्बेंडाजोल की गोली देनी पड़ती है कि पेट में कीड़े हैं जो खून चूसते हैं। तो ये जो स्ट्रेस है वो उस कीड़े का ही एक रूप है, उसका ही भाई है और उसे भयानक भाई है, ठीक है, जो खून को हमारे और कम कर देता है। आजकल एक और, हमारी दाल में या सब्जी में थोड़ा सा घी होना चाहिए और हमारी थाली में एक फल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और हमारे शरीर में फाइबर भी हर एक चीज से मिल ही जाता है, बस ज्यादा फाइबर जो हम रॉ चीजें खाते हैं जैसे कि सैलेड, फ्रूट, सब्जियां, ठीक है, या मोटे अनाज, उनसे फाइबर भी हमारे डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। तो सैलेड भी हमारी थाली में होना चाहिए, तब बड़ी और 200 रुपए की थाली, वरना तो कड़ी चावल और दाल ही मिलेगी। तो इतनी चीजें हमने एक थाली में समावेश